मीडिया का आज रोल एक फौज की तरह मीडिया का रोल है जनाब, फौज की तरह मीडिया का रोल है। ये मेरे सामने कैमरामैन है ना, इसके बच्चे वेट करते होंगे, दीपक जी की पत्नी वेट करती होगी, ये मौत का कफन बांध करके अपनी जिम्मेदारी उठा रहे मीडिया के लोग, और मीडिया के लोगों को धमकी देंगे आपके लोग, इनकी ऐसी की तैसी मीडिया को धमकी देने वाला। अरे मैं शेर का बच्चों मेरे से बात करें जो मीडिया से धमकी देने से पहले ये मौत का कफन बांध रहे और जा रहे उन बीमारी के अंदर जा रहे, ये मीडिया के लोग इनको गाली देते। तो तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, इसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, जान पर संकट है, दुनिया पर संकट है, देश पर संकट है, लेकिन तबलीगी जमात अभी भी असहयोग कर रहा है। निजामुद्दीन मरकज में जो क्राइम ब्रांच की टीम गई थी उससे किसी ने ठीक से बात नहीं की, मरकज के पदाधिकारी वहां से पूरे गायब रहे, किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। मोहम्मद साद के बारे में उनके वकील ने कहा कि वो अपना जवाब दे चुके हैं, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें ये साफ हो गया है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैं क्वारंटाइन में हूं, जवाब नहीं दे सकता। आप खुद की जान की चिंता है लेकिन देश की जान को मौलाना साद ने मुश्किल में डाल दिया है, और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब है जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं जो देश के लिए खतरा हो जाए। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मुजिब्बर रहमान है जो कि मेंबर है तालिबानी जमात के। मेरे साथ थोड़ी देर में सैयद वसीम रिजवी जुड़ेंगे जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, और मेरे साथ मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद हैं, ये जमीते उलेमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रेसिडेंट हैं और MLC हैं। सबसे पहले दीपक जी, आपने जो जो बातें कही हैं निचोड़ करके, कोरोना का पता मुझे भी है, मैं सब रोज मीडिया में सुन रहा हूं, आपने एक एक चीज को निचोड़ करके दुनिया के सामने रख दिया, कांप गई दुनिया आपके सब बातों को देख के कांप गई। हिमाचल कौन सी स्टेट है दीपक जी, वहां तो रहती शांति है, वहां तो रहते ही सब संत महात्मा जैसे लोग हैं, बिल्कुल सीधे कोरोना का आतंकवाद का कोई नाम ही नहीं। मुझे एक चीज बताइए, ये जमात के जो जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, ये जो करीना कपूर लखनऊ के अंदर पकड़ी गई, सबसे ज्यादा अगर कोई बोला है तो हिंदू समाज ने उसको लाने डाल दिया, किसने हमें लफड़े में डाल दिया, वसुंधरा राजे, सब सबके टेस्ट हुए। दूसरा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा जो लंगर बना रहे थे, मंजनू का टिल्ला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब के लिए उनके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया। उसने क्या कहा, हम धन्यवादी हैं दिल्ली पुलिस के, केजरीवाल के, हमारे पे केस रजिस्टर कर दिया, हम सेवा करते रहेंगे, लोगों को वहां से ले गए। पंजाब के अंदर एक वो महापुरुष 120 कंट्री घूमने वाला निर्मल सिंह, उसकी जनाब डेथ हो जाती है कोरोना के कारण, जमीन में गांव के लोग उसको जगह नहीं देते। क्या सिख कौम ने इसको इशू बनाया, क्या सिख कौम ने को ऐसी बात की, क्या हिंदू कौम ने ऐसी बात की जो गलत था उसको गलत कहा, क्या पंजाब के अंदर अंदर आतंकवाद था दीपक जी, आपने लड़ाई लड़ी है, क्या हमने उस वक्त यह कहा कि हम सिख है, हमने कहा किसी सिख आतंकवादी ने हिंदू मुसलमान सिख को मारा है तो हम उसके खिलाफ हैं, क्या हमने लड़ाई नहीं लड़ी? अगर हम सिख हैं हम सिख की बात करेंगे, हिंदू हिंदू की करेगा, मुसलमान मुसलमान की करेगा? अरे हम तो सब मानव बम बन चुके हैं दीपक जी, आप भी मानव बम हैं, मैं नहीं मानव बम हूं, जितने बैठे हुए कानून की अगर उल्लंघना करते हैं तो मानव बम, ऐसे मानव बम है। जवाब दीजिए, क्या रात में शर्म आती है, आप अपना आईना देख पाते हैं? आप इतनी बड़ी गलती हो गई और उन गलत करने वालों को आप डिफेंड करते हैं? यही सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको आईना देख करके अपनी खुद को शर्म आती है? बिल्कुल नहीं आती। मैं तो ये बोलता हूं कि जितना इन तबलीगी जमात वालों को एक्सपोज करूं, जो कोरोना बम बनकर मानव बम बनकर चले गए, उसके बाद भी दीपक जी मेरी बात, मैं दीपक भाई सुन, दीपक जी बात कर रही है, बेशर्म आदमी से जो आपको कहता आईने की बात, पूरे देश में आग लगा दी,
पूरे देश में हिंदू मुसलमान सिखों के ऊपर आग लगा दी, ये आपको आईने की बात करता है? अपनी गलती मानने की बजाय आपने वकालत करती है लोग, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, अरे मानवता की रक्षा करो, अरे मानवता की रक्षा करो यार, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करके बोलिए प्लीज, तो फिर आपके पास आऊंगा बेटा भाई, इनकी बात सुन लेते हैं, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। तबलीगी जमात की लापरवाही के चलते देश भर में कोरोना एक महामारी बनकर टूट पड़ा है, ये जाने में हुई या अनजाने में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह से आपराधिक है, आपने देश की जान के साथ खिलवाड़ किया है ऐसे नाजुक वक्त पर। लोगों को यह नहीं पता कि द्वितीय विश्वयुद्ध और प्रथम विश्वयुद्ध में भी ट्रेन और प्लेन नहीं बंद हुए थे, ऐसी नौबत इस दुनिया के अंदर कभी नहीं आई है, और उसके सामने एक जमात खड़ी है जो अपनी पुरानी दकियानूसी सोच के चलते इस देश को मुश्किल में डाल चुकी है। मैं एक चीज आपको बताऊं मोहम्मद साहब, क्या देश से सबसे बड़े हैं? गुरु तो उसको भिंडरांवाले को भी पंजाब के अंदर कहते थे, क्या हशर हुआ? अगर गलतियां की तो क्या हशर हुआ? हरमंदर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, ये गलत फहमी में है, ये कौम के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, मानवता के साथ खिलवाड़ ना करें, ये सब मानव बम भी नहीं है, ये परमाणु बम है, पूरे देश के कोने कोने में दुनिया में इन्होंने फैला दिया। आज भी ये कह दें हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, ये देश इनको माफ कर देगा और चले उन लोगों को निकाल के पुलिस के हवाले करें, डॉक्टरों के हवाले करें। अरे डॉक्टर सुबह से शाम तक लोगों को ठीक करते हैं, जमात की क्लास आती है फिर आगे बढ़ देती है। अरे लोग घरों में बैठे हुए, गरीब आदमी मर रहा है, रोटी खाने को नहीं है, कौन उसका जिम्मेदार? जमात के लोग जिम्मेदार। मीडिया का आज रोल एक फौज की तरह मीडिया का रोल है जनाब, फौज की तरह मीडिया का रोल है। ये मेरे सामने कैमरामैन है ना, इसके बच्चे वेट करते होंगे, दीपक जी की पत्नी वेट करती होगी, ये मौत का कफन बांध करके अपनी जिम्मेदारी उठा रहे मीडिया के लोग, और मीडिया के लोगों को धमकी देंगे आपके लोग? इनकी ऐसी की तैसी मीडिया को धमकी देने वाला आए, मैं शेयर का बच्चों मेरे से बात करे जो मीडिया से धमकी देने से पहले ये मौत का कफन बांध रहे और जा रहे उन बीमारी के अंदर जा रहे, ये मीडिया के लोग इनको गाली देते हैं, ये आपकी हमारी ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपके मौलाना क्यों सोशल मीडिया पर मीडिया के लोगों का नाम लेने के धमका रहे हैं? बताइए क्यों धमका रहे हैं? मैं कई बाइट आपको सुना सकता हूँ, मार देंगे, दिक्कत हो जाएगी, सड़क पे नहीं निकल पाएंगे, ये आपकी डेमोक्रेसी है, ये आपकी संविधान की रक्षा है, जवाब दीजिए शोएब जमाई। अरे भाई सुनिए सुनिए भाई, इतना फालतू का डिबेट मत कीजिए यहाँ से, सुनिए पहले। पहली बात तो ये है कि जो लोग इस तरह से मीडिया को धमकी दे रहे हैं तो उसका तबलीग जमात से कोई लेना देना नहीं, वो उनके अपनी इंडिविजुअल है। लोग भी स्वयंभू प्रवक्ता हो गए, आप तो तबलीग की जमात के भी स्वयंभू प्रवक्ता हो गए, शाहीन बाग के भी थे, सुना देता हूँ, मौलाना की बाइट सुनिए, धमकी कैसे दी जा रही है देश वो भी देख ले, सुनाइए। मौलाना साद जो अमीर तबलीगी जमात है उनको जो अरे तूरे से जो तुम मुखातिब हो रहे हो, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि मजहबी रहनुमाओं के मुतालिक इस किस्म की कोई जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। निजामुद्दीन के मुतालिक जो बात की जा रही है, मरकज के मुतालिक जो बात की जा रही है, मेरे पास ये वीडियो है कि ये लोग यहां पर जितने भी इनके लोग फंसे हुए थे, आप देखिए गाड़ियों के नंबरों के साथ, ड्राइवर के नंबर के साथ ये लोग जाकर पुलिस का परमिशन मांग रहे हैं कि हमारे पास लोग हैं, इनको हम भेजना चाहते हैं, लेकिन पुलिस परमिशन नहीं दी। अफसोस मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, कल इस विषय पर फिर आएंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि इस विषय को आगे ले जाऊं, लेकिन रोज एक नया खुलासा होता है। आज ट्रेन कनेक्शन सामने आया है, हिमाचल की घटना सामने आई है, अभी भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 50 से 60 लोग वहां छुपे हो सकते हैं, जानबूझकर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने बड़ी बात कही, अगर धर्म जानलेवा बन जाए तो क्या। मुझे बहुत धमकी आ रही है, मेरे साथियों को बहुत धमकी आ रही है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, हमारे पे भी कोरोना का खतरा है, लेकिन क्या देश इस बड़े सच को एक साथ अस्वीकार कर दे कि तबलीगी जमात ने कुछ नहीं किया है? क्या उसके खिलाफ साजिश हो रही है? हाथ कंगन को आरसी क्या,
लेकिन उस पढ़े लिखे को फारसी भी समझ आती है, हिंदी भी समझ आती है, उर्दू भी समझ आती है, लेकिन मोहम्मद साद जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी के तरीके से क्यों छिपा बैठा है।